यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रावस्ती में गर्मी के शुरुआती दौर में ही पानी की कमी नजर आने लगी है और वही नदी नहर और तालाब पूरी तरह से सूख चुके हैं, तो वही सरकारी नल ज्यादातर खराब नजर आ रहे हैं। जिले में मौजूद राप्ती नदी सूखने के कगार पर आ चुकी है और नहर और तालाब पूरी तरह से सूख चुके हैं। पशु पक्षी पानी की तलाश में दरबदर भटकने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पानी की तलाश पूरी नहीं होने से पशु पक्षियों की मौत भी होने लगी है। ये कि मतलब ये अभी जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री के आसपास का है। हाँ। और इस भरी गर्मी में बहुत ही ज्यादा उमस हो रही है यहाँ पे मतलब प्रशासन द्वारा लाइट की कटौती बार बार हो रही है। एक तरफ जहाँ मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि हर गांव बिजली है, 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है, वहीं इस समय जो हमारा विद्युत विभाग है पूरी तरीके से फेल है। आए दिन जब फोन करो पावर हाउस पे तो उसका जो CUG नंबर है वो उठता नहीं है। हम जो युवा वर्ग हैं वो भी परेशान हैं, ना बच्चों की पढ़ाई सही से हो पा रही है गर्मी की वजह से, ना लाइट रहती है समय से, और खासकर जो मतलब परेशानी इसमें पशु पक्षियों की है। तालाब पूरी तरीके से सूखे पड़े हुए हैं, आप जंगल में जाएंगे देखेंगे पूरी तरीके से पूरा तालाब सूखा पड़ा है। आम जनमानस के साथ साथ जानवर भी काफ़ी परेशानी में है। तो क्या प्रशासन द्वारा कहीं पियाऊ का इंतजाम वगैरह? नहीं, कोई इंतजाम नहीं किया गया है प्रशासन के द्वारा, करना चाहिए। अगर आदमी के लिए ना हो सके, जनता आम जनता के लिए, तो कम से कम जो ना बोल सकने वाले जानवर हैं जो जंगल में रह रहे हैं उनके लिए तो कम से कम गड्ढों में पानी भरवा देना चाहिए।